नमस्कार, मैं हूँ रिंकू यादव, रामराजी इंटर कॉलेज नारायणपुर प्रीतमपुर अंबेडकर नगर के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ाएंगे क्लास 10th का फिजिक्स। हमने इससे पहले वीडियो में क्लास 10th के अपवर्तनांक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन न्यूमेरिकल को हल कराए थे, चार क्वेश्चन हल कराए थे। चलिए उसके अपवर्तनांक से संबंधित ही और क्वेश्चनों को हल करते हैं, ठीक है। देखिए, हमने पांच क्वेश्चन हल कराए थे और छठा क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन को आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि क्वेश्चन को सुन करके ही आपको नोट्स बनाना है, मैं उस पर नोट्स नहीं बनाऊंगा, ठीक है। और यदि स्क्रीन पर क्वेश्चन हो तो वीडियो को रोक करके आप उसको पहले क्वेश्चन को नोट कर लो, उसके बाद फिर सॉल्यूशन को देखिए। कहता है, वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 है। जल के सापेक्ष कांच के अपवर्तनांक क्या होगा? जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक होगा, ठीक है। देखिए दिया है हमें, यहाँ प्रश्न नंबर 6, ठीक है। सॉल्यूशन देखेंगे, सॉल्यूशन वायु के सापेक्ष कह रहा है, वायु के सापेक्ष जल और कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष जल और का, तो कह रहा है वायु और सॉरी वायु की सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक, ठीक है। यानी वायु के सापेक्ष एन वाटर, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना दिया है? 4/3 दिया है, 4/3 दिया गया वायु। उसके बाद कह रहा है कांच के सापेक्ष, वायु के कांच के सापेक्ष, वायु के कांच के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष सॉरी वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक दिया है, क्या है दिया है? वायु के सापेक्ष यानी यह नहीं रहेगा, और W सॉरी कांच का यानी G, किसका? ग्लास का, ठीक है। बराबर दिया है 3/2, ठीक है। अब क्या करोगे? सिंपल सी बात है, जल के सापेक्ष कांच का पूछा है, तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक देखिए, ठीक है। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक यानी वाटर एंड जी ये पूछा, तो आप क्या करोगे? इसका हम सीधा सीधा क्या कर दें कि कांच का सापेक्ष जो है, तो हम क्या कर देंगे इसको ए एन जी बटे एन डब्लू, एन कट गया, कांच का क्या है, कांच के सापेक्ष ये है यानी 3/2/W, डब्लू वाला क्या है एयर के सापेक्ष, 4/3, ठीक है। 4/3 इसको इस तरह भी लिख सकते हो, या
तीन बटा दुई भागे चार बटा तीन या तीन बटा दो गुणे तीन बटा चार यानी तीन त्रिका नौ बटे आठ। ठीक है, ये क्या हो गया, इनका अपवर्तनांक है। किसके सापेक्ष? जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन। चलिए इसके बाद सातवां क्वेश्चन। देखिए सातवां क्वेश्चन क्या कहता है, सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि कांच वायु तथा कांच में प्रकाश की चालें क्रमशः 3×10^8 मीटर प्रति सेकंड तथा 2×10^8 मीटर प्रति सेकंड है। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। चलिए इसको सिंपल सा देखिए, वायु में कह रहा है कि वायु के सापेक्ष, वायु में प्रकाश की चाल कितना है, वायु में प्रकाश की चाल यानी वेग कितना है, 3×10^8 मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद कह रहा कांच में, कांच में प्रकाश की चाल दिया है, ये कांच में प्रकाश की चाल यानी वेलोसिटी ऑफ ग्लास, ठीक है, कितना दिया है, 2×10^8 मीटर प्रति सेकंड। ये कहा फिर वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष, तो वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करना है, कांच का अपवर्तनांक। ठीक है, क्या लिखेंगे, ए एन जी ज्ञात करना। ठीक है, ए एन जी ज्ञात करना। अब क्या करोगे, पहले जो वायु का अपवर्तनांक आप लिख लेंगे, इसका वायु का अपवर्तनांक तो 3×, इस तरह लिख लो, वेलोसिटी ऑफ एयर एंड वेलोसिटी ऑफ ग्लास, एयर में कितना है, 3×10^8 मीटर प्रति सेकंड बटा 2×10^8 मीटर प्रति सेकंड। देखिए ये यहाँ से कट गया, 3/2 आ गया, और 3/2 को आप भाग दोगे तो आ जाएगा 1.5। अपवर्तनांक कितना आया, 1.5। आप जानते हो अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, चलिए आठवां क्वेश्चन चलते हैं। देखिए आठवां क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, आठवां क्वेश्चन कह रहा है जल और कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 1.35 एवं 1.50 है। यदि प्रकाश की किरणें कांच से जल में जा रही हैं तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, ठीक है, क्या है, जल का अपवर्तनांक कितना दिया है, जल का अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक कितना दिया है, जल का अपवर्तनांक 1.35 दिया है। ठीक है, और कांच का अपवर्तनांक, यहाँ क्या है, कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक कितना दिया है, 1.50 दिया है। ठीक है, अब पूछा क्या है, कांच के सापेक्ष यानी कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक पूछा है, जल का अपवर्तनांक। ठीक है, चलिए इस तरह आप लिख सकते हो इसको, क्या, जी एन डब्लू। ठीक है, अब क्या करोगे, सबसे पहले कांच का अपवर्तनांक लिखो, किसका,
कांच का, यानी 1.50, कितना लिखोगे? 1.50, यानी जी बटा एन डब्लू, ठीक है। एन जी ग्लास का अपवर्तनांक कितना दिया है? ग्लास का अपवर्तनांक 1.50 दिया है, और जल में कितना दिया है अपवर्तनांक? 1.35 दिया है। अब इसको भाग दो, ठीक है, तो 1 कितना आ जाएगा? 1.35 आ जाएगा, 1.11, ठीक है, एक बार ही जाएगा, उसके बाद एक एक बार ही जाएगा, संभवत है, ठीक है, ये आ जाएगा। बस इस वीडियो में यहीं तक। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। यदि किसी प्रकार की वीडियो में त्रुटि हो या समझ में ना आया हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे आपके हम सॉल्यूशन को फिर से भेज सकते हैं। हम इसका PDF ग्रुप में शेयर कर देंगे, आप इससे नोट बनाते चलिएगा, ठीक है। बस इस वीडियो में यहीं तक, और आप घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।